नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के रतिया इलाके में अकाली दल के उम्मीदवार कुलविंदर कुलाल का नामांकन भरवाने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। इनेलो व अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। रतिया के SDM ऑफिस पहुंचकर सुखबीर बादल ने कुलविंदर कुलाल का नामांकन दाखिल करवाया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि इनेलो और अकाली दल का पुराना नाता रहा है। यह दोनों दल हर चुनाव में इकट्ठे लड़ते रहे हैं। इस बार भी दोनों द्वारा विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने के बाद उम्मीदवार को उतारे गए हैं। सुखबीर बादल ने स्पेशल पूछे गए सवाल में कहा कि कस्बा इसको लेकर के सभी की अपनी अपनी लड़ाई रही है और हर कोई अपने कस्बे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं BJP के साथ गठबंधन को लेकर के पूछे गए सवाल पर सुखबीर बादल ने चुप्पी साध ली। इस पर उन्होंने कोई भी कॉमेंट करने से साफ मना कर दिया। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। मैं इस दरमियान अज अनेलो श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ के उम्मीदवार रतिया हल्के का कुलविंदर सिंह जी का नामजद करके असं आए हैं। अनेलो के श्रोमणी अकाली दल का रिश्ता आई का नहीं, कोई सियासी नहीं, परिवारिक है। चौधरी देवी लाल जी के साथ प्रकाश सिंह बादल ने इकट्ठे संघर्ष किया, पूरी सियासी जीवन कट्ठे रहे, सखे भरावान नाल बंध पिया। जदों सशोपंच दूर होया अज सवेर का लोगों को बड़ा माण है क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जी ही करनगे। मैं इस दरमियान तुहाडे दोनों के विचारे ज़्यादा टाइम ना ला के पहला तो स्वागत करा। तो फिर एक गल कहना चाहवा कि जेडी रतिया हलका जी सीट पर इंडियन नैशनल लोकदल है तो जदों कल की यह अनाउंसमेंट हुई सड़क एक लहर फैल गई। एदों पहले सशोपंच सी कि की होएगा, जदों सशोपंच दूर होया अज सवेर का लोगों को बड़ा माण है क्योंकि पहुंचे साढ़े सबका पंजाब उप मिनिस्टर सुखबीर बादल जी का तो उन्होंने नाल जिनी आगू टीम पहुंची है उन्होंने सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। तरीक जित होनी है तो 24 तरीक नतीजा निकलना है, वो भी अपना अकाली दल अनेलो का जोड़ा कैंडीडेट है कुलविंदर सिंह कुलाल के हक में निकलना है। सो अज जिते कि सुखबीर सिंह जी बादल इतने जिया कहने उत्थे मैं बेनती करता इतों के कैंडीडेट कुलविंदर सिंह कुलाल आ के सकता के सामने खोड़ कुलविंदर सिंह कुलाल।